मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैंने प्राय आपने डिजिटल अरेस्ट शब्द सुना होगा। ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इस बारे में जानिए। ये एक ठगी का धंधा है। इसमें इंदौर में ऐसा ही एक घटना हुई थी जिसमें डॉक्टर को एक प्रोहिबिटेड बोले ड्रग्स आपके नाम से आया है। ठगी के बारे में अगर आप देखें तो ठगी का जो प्रोविजन है ये धारा 310 आईपीसी में दिया गया था और इसमें बच्चों की चोरी से लेकर अन्य तरह के अपराध, दूसरे को बेवकूफ बनाकर, तो ये आमतौर पर ठग की परिभाषा इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 310 में दी गई है। ये आपको जानना चाहिए। अब उसमें जब डिपार्टमेंट से उसके पास कॉल आया तो वो घबरा गया। उसे डिजिटली अरेस्ट रखा गया 24 घंटे तक, कहा आप ऑनलाइन बने रहिए, और उस चक्कर में उससे 3 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। बाद में उसने साइबर क्राइम में शिकायत की, पिता को भी बताया ये सारी घटना की। स्काई ऐप पे वो उसको स्काई ऐप के जरिए डिजिटल अरेस्ट रखा गया। तो ये आपको जानना चाहिए। लगातार डिजिटल अरेस्ट शब्द आपने सुना है तो ये चीटर होते हैं, एक्चुअल में ठग हैं जो आपको बेवकूफ बनाकर कॉल पर पैसे ऐंठ लेते हैं। अब दूसरा प्रोहिबिटेड ड्रग्स का झांसा देकर जैसे इस डॉक्टर को किया, दूसरा एक मामला एक इंटरनेशनल कुरियर कंपनी थी उसमें भी इसी तरह की ठगी डॉक्टर दंपत्ति से 8 लाख रुपए की गई। कैसे की गई? स्काई ऐप चालू रखा गया, 48 घंटे तक उनसे कहा कि आप इसको काटेंगे नहीं, ऑनलाइन चालू रखेंगे। 3 लाख रुपए का ट्रांसफर भी उनसे अपने खाते में उन ठगों ने करा लिया। तो इस तरह डिजिटल अरेस्ट में कुरियर कंपनी के नाम से, पुलिस थाने से, CBI से या अन्य कुछ अधिकारी बनकर सब फर्जी रहता है। ठगों के रूप में इस तरह का साइबर क्राइम आजकल हो रहा है, इससे आप सावधान रहिए। कॉल आने पर तत्काल एडवोकेट से संपर्क कीजिए, पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत कीजिए। डरने की इससे जरूरत नहीं है। अननोन कोई भी कॉल आता है उससे भी आप थोड़ा सा सचेत रहें। जब तक आप जानते नहीं हैं उस कॉल को मत उठाइए, इससे आपके साथ ठगी हो सकती है। ये धोखाधड़ी करके डिजिटल अरेस्ट का एक नया तरीका लोगों ने अपनाया है और इसमें कानूनी जागरूकता की जरूरत है। लोगों को अननोन नंबर से अननोन मोबाइल फोन आने पर लोग इसको उठा लेते हैं, अधिकारी समझकर, सही समझकर, और उनके झांसे में आकर पैसे धमकाने के कारण उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट वर्ड आपने जैसा प्रायः सुना है, इसके कानूनी प्रावधान मैंने आपको बताया और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटलाइजेशन का युग है, आधुनिक युग है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल दिन भर आप यूज करते हैं, तो इस तरह ठगी विद्या करने का ये डिजिटल अरेस्ट का एक तरीका ठगों ने अपना रखा है, जिससे आप सावधान रहिए और भविष्य में इस तरह की कोई घटना आपके साथ होती है तत्काल पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को सूचित कीजिए, रिपोर्ट लिखाइए और इससे बचिए। वीडियो कैसा लगा? छोटी छोटी जानकारियां मैं इस वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूँ। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जैसा कहता आ रहा हूँ, कानून की जागरूकता और कानून का ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।